स्टार्ट है, पक्का पहन ले। एक्सटेंडेड आपको वारंटी मिलने वाली है, टोटल आप 15 महीने की, 1.5 साल की वारंटी। 15 महीने, 1.5 साल होता है, 1.25 साल होता है, सॉरी सॉरी। ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, ऑटो कंडीशन में उनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं वोकल्स पार्ट को, वोकल्स पार्ट को लेके, वोकल्स नहीं होते, इट्स वोकल्स। तो आज हमारे पास है यहाँ पे गेमिंग ईयरबड्स बोल्ट ऑडियो ब्रांड की तरफ से, दैट इज बोल्ट ऑडियो एमओ गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1400 रुपीज, और आप लोगों के काफी ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मैंने इसको पर्सनली परचेज किया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग प्रोवाइड कर पाऊं। और ये गेमिंग ईयरबड्स है, लेकिन इसके आउटपुट को लेकर मैं काफी तक इंप्रेस हुआ हूँ। सारी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा, एक एक डिटेलिंग हम चेक करेंगे ताकि एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोल्ट ऑडियो एमओ गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है यहाँ पे 15 मंथ्स की आपको वारंटी मिल जाएगी, एक्सटेंडेड आपको वारंटी मिलने वाली, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, इसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिलने वाली, टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, चाहे तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक छोटी सी लेंथ की यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर ईयरबड्स केस, एक्स्ट्रा आपको टुनटुने मिल जाएंगे कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। फ्रंट में आप देख सकते हैं बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आपको लाइट से कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर पूरा आपको मैट फिनिश का केस मिलने वाला है, अच्छी आपको बिल्ड मिल जाएगी, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे आपको बल्की केस मिलने वाला है, थोड़ा मोटा केस आप बोल सकते हैं, वैसे पॉकेट में तो कैरी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस आपको बड़ा मिलने वाला है। एंड केस को आप ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपरली पैक्ड है, लेफ्ट राइट मेंशन है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है प्रॉपर मैग्नेट्स, गिरते नहीं ईयरबड्स केस के अंदर से। और जो लॉक दिया गया वो भी आपको काफी प्रॉमिसिंग मिलने वाला है, ऑटोमेटिक ऐसे बंद नहीं होता, लॉक अच्छा आपको मिलने वाला है, आपको मैन्युअली ऐसे बंद करना पड़ेगा। केस थोड़ा बल्की दिया गया, बाकी आपको जो बेल्ट है काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी, लाइट का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लगता है इसमें। और अगर हम बात करेंगे इसके बर्ड्स की, बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टेम शेप के, और आप लेंथ देख सकते हैं काफी आपको लंबे साइज के ईयरबड्स मिलने वाले हैं, मेनली आपका कान का साइज थोड़ा बड़ा है, मीडियम साइज या बड़े साइज का, उस पर्पस के इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ग्लॉसीनेस मिल जाएगी दोनों ही बर्ड्स के एरिया में। एंड अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे, कानों में पैकिंग तो सही प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो लेंथ है काफी लंबी दी गई है, काफी लंबा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं कानों में बर्ड्स, अच्छी खासी 85% बाहर की नॉइज भी कैंसिल कर रहे हैं, कानों को सही तरीके से पैक करते हैं, एक्टिविटीज करेंगे, रनिंग करेंगे, जिम करेंगे, गिरते नहीं है कानों से, सिक्योर आपको फिट मिलने वाला है। फुल टच कंट्रोल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, साथ ही में इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप ईयरबड से केस को ओपन कर देंगे, ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, और आप देख सकते हैं लास्ट पेयर डिवाइस से ऑटोमेटिकली पेयरिंग हो जाएगी। डिस्कनेक्शन करने के लिए आप केस को बंद कर देंगे, इंस्टेंटली डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। और अगर हम बात करेंगे इसके फीचर्स पार्ट की, तो यहां पर आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और लगभग आप 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं ईयरबड्स को यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करेंगे, नीली आपको 150 मिनट्स का प्ले टाइम मिलेगा विद दिस ईयरबड्स। फीचर्स इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाले, फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। और अगर हम बात करेंगे टच कंट्रोल्स की, फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा, राइट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करते रहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी, और किसी भी ईयरबड को अगर आप 4 बार टैप करेंगे 4 टाइम्स टैप करेंगे गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से 4 बार टैप करेंगे म्यूजिक मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा गेम मोड और म्यूजिक मोड करके। और किसी भी ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, और साथ से आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है आपको उससे बातचीत नहीं करनी, अगर आप डायरेक्टली डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिव, उसको लेके मुझे कोई इशू नहीं लगा। और जो गेमिंग मोड दिया गया है ब्रांड ने क्लेम किया 40 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी, वो जस्टिफाई करती है कि नहीं वो अब हम चेक करते हैं।
मैंने OnePlus 9R में कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, इसमें आपको SBC और AC कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है, और जो मैंने आपको गेमिंग टेस्ट दिखाया वो AC कोडेक के सपोर्ट के साथ दिखाया। ब्रांड ने जो क्लेम की है 40 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी, अगर आप SBC मोड ऑन करके गेमिंग करेंगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। कंपैरेटिवली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, अगर आप SBC मोड में गेमिंग करते हैं आपको लेटेंसी काफी कम देखने को मिलने वाली है, AC मोड में आपको हल्की फुल्की हल्की सी मिनट से एक्स्ट्रा लेटेंसी देखने को मिलेगी। SBC मोड में अगर आप गेमिंग करेंगे डेफिनेटली जो ब्रांड ने क्लेम की 40 मिलीसेकंड आपको मिलने वाली है। लेफ्ट राइट सेपरेशन क्लियरली पता चल जाएगा, स्टीरियो सेपरेशन अच्छा दिया गया है, इस कहां से लेफ्ट से के राइट से, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी की। 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है, लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। फुल वॉल्यूम में मेरे हिसाब से आप अवॉइड ही करेंगे सुनना, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है फुल वॉल्यूम पे, लेकिन अगर आप 70% वॉल्यूम में 80% वॉल्यूम पे भी सुनेंगे आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मेनली अगर आपको एक अच्छे म्यूजिक और बढ़िया बेस इफेक्ट्स के लिए ईयरबड्स चाहिए, इसको आप उस पर्पज के लिए भी ग्रैब कर सकते हैं। वोकल्स बिल्कुल क्लियर मिलने वाले हैं, प्रॉपर आपको ट्रेबल्स मिल जाएंगे, बैकग्राउंड सेपरेशन इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, और बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले, प्रॉपर आपको सराउंडिंग पावरफुल आप बोल सकते हैं आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसको आप डेफिनेटली अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस बढ़िया बेस एक्सपीरियंस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, उसको लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। बात करेंगे कॉलिंग की, मैंने आउटडोर कंडीशन में वाइफ से बातें की हुई है रोड साइड पे, उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए इनके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ, बताओ। अच्छा, अरे अभी मेरा एक बोल्ट ऑडियो एमओ करके एक गेमिंग ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं, अभी मैंने इनको परचेज किया हुआ है, ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आउटर कंडीशन में उनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तुम्हें कैसे आ रही है? आवाज तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, लेकिन वोकल्स थोड़े से मुझे कम क्लियर लग रहे हैं। वोकल्स थोड़े कम क्लियर लग रहे हैं? अच्छा, हाँ। मतलब ऐसे कोई दिक्कत आई सुनने में मेरे को? नहीं, समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा है। अच्छा, बाकी एक्टिविटीज बाहर की, बैकग्राउंड की एक्टिविटीज, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, कार जा रही है, ऑटो जा रही है, वो हाँ थोड़ा मतलब हो रहा है, कैच हो रही है बैकग्राउंड की एक्टिविटी, पता चल रहा है। तो कितना परसेंटेज मिला आपको बोल सकते हो? 70% 70% तक, ओके ठीक है। और थोड़ी लाउडनेस और भी बेटर हो सकती थी, लाउडनेस ही कम लग रहा है। लाउडनेस भी एडिक्वेट लग रही है? हाँ, ओके ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ, बाय। कॉलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है डिसेंट, इंट्रो कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी, लेकिन आउटर कंडीशन में दिक्कत फेस हो सकती है। मेरी वाइफ बोल रही थी कि समझ में आ रहा है कॉलिंग में क्या चला, लेकिन जो वोकल्स है हल्के फुल्के बैटरमेंट होनी चाहिए, तो लाउडनेस भी उसको लग रहा था थोड़ी बहुत एडिकेट दी गई है, एक्टिविटीज थोड़ी बहुत बाहर की कैच कर लेगा, इसको आप डिसेंट कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग नहीं दी गई है एज पर माई एंड माई वाइफ एक्सपीरियंस। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7 out of 10, और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दीस आर द रेटिंग्स ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 1400 rupees। और देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेनली आपको चाहिए एक बढ़िया गेमिंग ईयरबड जिसमें आपको म्यूजिक और बेस का बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाए, कॉलिंग आपको डिसेंट मिलने वाली है, बाकी थोड़ा बल्की केस दिया गया, मेरे हिसाब से केस का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था, मैंने आपको तब भी सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे, मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए टेस्टिंग के साथ, सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोल्ट ऑडियो एमओ ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.